हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 1560 रुपए का ये शेयर है। एक हल्की सी आज तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन 1600 रुपए के लेवल से टूटकर थोड़ा सा शायद पिछले कुछ दिनों से नीचे जरूर आया है, लेकिन 880 के लेवल से ये बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हाल फिलहाल चल क्या रहा है। एक के बाद एक बड़ी डील तो हो ही रही है, लेकिन खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 1560 रुपए के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में ये शेयर जहां था वहीं पर है अभी, ठीक है। एक बहुत बड़ा रैली आई थी, आप देखिए 1575 रुपए के ऊपर ये शेयर था, लेकिन जिस दिन 1575 पर ये पहुंचा था उस दिन ये 1600 रुपए तक भी पहुंच गया था, लेकिन उस लेवल को ये मेंटेन नहीं कर पाया और टूट गया ये वापस और आया 1400 रुपए के लेवल पर। लेकिन उसके बाद एक बड़ी रैली आई और अगेन 1580 के लेवल पर पहुंचा, और जिस दिन 1580 के लेवल पर ये पहुंचा था उस दिन अगेन ये 1600 रुपए का लेवल इसने टच भी किया था, लेकिन फिर से ये उसको मेंटेन नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर हल्की सी गिरावट आई, बाद में आज एक थोड़ी सी रैली यहाँ पर जरूर देखने को मिल चुकी है हमें। तो 1600 का लेवल तोड़ना, इसके लिए 2 बार 1600 के लेवल से टूटकर ये नीचे आया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से ये ऊपर जाता है कि नहीं। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 18% का ग्रोथ है। आप खुद देखिए कि कोविड के चलते शेयर जब 1600 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था, गिरावट आई, 880 रुपए के लेवल तक टूट गया था, 880 रुपए के लेवल तक। उसके बाद शेयर ने जो बाउंस बैक किया है वो वाकई में इतना बढ़िया बाउंस बैक शायद ही किसी शेयर ने किया होगा कोविड के इस दौरान। यहाँ पर आप देखिए 880 के लेवल के बाद एक बहुत बड़ी रैली आई जब फेसबुक की डील सामने आई। फेसबुक ने जियो में तकरीबन 10% की हिस्सेदारी खरीदी और शेयर रॉकेट बन गया एक ही दिन में। बाद में थोड़ी और तेजी आई जब विस्टा ने खरीदारी की, सिल्वर लेक ने खरीदारी की, जनरल एटलांटिक ने खरीदारी की। एक के बाद एक नए बिडर्स आते चले गए और शेयर बहुत ही बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ गया। 1600 रुपए के जिस लेवल से पहले टूटकर नीचे आया था वही लेवल पर ये पहुंचा, वापस गिरा, वापस 1600 रुपए के लेवल पर पहुंचा, वापस अभी उसको तोड़कर नीचे जा रहा है। यहां पर हम अगर बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक के 10,50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इंडिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है ये, सबसे ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है ये। और आप देखिए तकरीबन 70 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 1:40 हुए हैं और 70 लाख जितने शेयर्स का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में मैं पिछले जब भी मैंने रिलायंस के ऊपर वीडियो बनाया मैंने कहा है कि आप खुद देखिए, प्रमोटर खुद यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर के पास 50% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। FIS के पास 24.05% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास 5.42% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.22% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 11.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है हाईएस्ट होल्डिंग के साथ, श्री चक्रा कमर्शियल है जिनके पास 10.87% की होल्डिंग है। अंबानी फैमिली की ही ये कंपनीज है, अंबानी फैमिली जो है उन्हीं के नाम के अलग अलग कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 85 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 1318 FIIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात की तो LIC है जिनके पास 5.87% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 8.97% के आसपास हमें देखने को मिल रही है और 65% का डिविडेंड पे कर आप खुद देखिए पर शेयर आपको 6.5 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस जियो ने पिछले कुछ दिनों में एक बढ़िया इनको पुश बैक किया है। और अगर हम बात करने जाए तो देखिए कोविड-19 के चलते इनके जो पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है उनके ऊपर काफी बड़ा असर पड़ा है और उनकी वजह से हालांकि उनके प्रॉफिट्स भी कम आए थे, लेकिन फिर भी रिलायंस जियो ने इतना बड़ा पैसा यहाँ पर कमा कर दिया, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है लेकिन टेलीकॉम सेक्टर जो है वो काफी बड़ी तेजी से यहाँ पर काम कर रहा है और काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा कर भी दे रहा है।
यहाँ पर देखिए इन्होंने जियो में स्टेक बेची है, जिसमें सिल्वर लेक है, जनरल अटलांटिक है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी यहाँ पर शामिल है। जियो प्लेटफॉर्म से इन्होंने तकरीबन आप देखें 98,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं, वो भी 7 हफ्ते से भी कम वक्त में। 7 हफ्ते से भी कम वक्त में 97,885 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और ये वाकई में काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया है। आप खुद देखिए कि शेयर प्राइस 32% तक उछल गया था और 1,624 तक का रिकॉर्ड हाई बना था, 1,624। बाद में शेयर में गिरावट आई, क्योंकि भैया डेफिनेटली जब शेयर 880 के लेवल से उठकर उतना ऊपर जाएगा, और सबको पता है कि 1,600 रुपये का जो इनका जो बैरियर है उसको क्रॉस करने में कंपनी 2 बार सफल नहीं हुई है, बाद में वापस नीचे गिरा है, तो काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की, और शेयर अभी 1,500 रुपये के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करें कि रिलायंस मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज 2,32,000 करोड़ फ्रॉम द फर्स्ट डील अनाउंसमेंट। तो देखिए एक डील की जैसे अनाउंसमेंट हुई, धीरे धीरे इनके मार्केट कैप इंक्रीज होती चली गई, और बाद में आज आप सब जानते हैं कि 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा की आज मार्केट कैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिलायंस की जो पहली डील हुई थी वो फेसबुक के साथ हुई थी, और तकरीबन फेसबुक के द्वारा इनको 43,574 करोड़ रुपए मिले थे, और 9.99% की हिस्सेदारी यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक ने खरीदी थी। और आप देखिए इसके बाद कौन कौन अलग अलग प्लेयर्स आए, फेसबुक के बाद सिल्वर लेक आया, विस्टा आया, उसके साथ साथ जनरल अटलांटिक आया, फिर KKR आया, फिर मुबाडला भी है, ये भी अबू धाबी की कंपनी है, फिर ADIA भी यहाँ पर आया, और आप देखिए 21% की हिस्सेदारी जियो में इन लोगों ने बेची है इन सारी कंपनियों को मिलाकर, और एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर आता हुआ हमें जरूर देखने को मिला है। और शेयर होल्डर की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स भी मिला है, जो राइट इश्यू उन्होंने किया था, उन्होंने टारगेट रखा था 53,000 करोड़ का, लेकिन तकरीबन तकरीबन 84,000 करोड़ तक की बिड्स इनके पास आ गई। तो आप देख रहे हो कि कितना बड़ा पैसा यहाँ पर आया है इनके पास, तकरीबन तकरीबन 1 लाख करोड़ आया सिर्फ रिलायंस जियो से, राइट इश्यू से आप देख सकते हैं कि 84,000 करोड़ है, तो बहुत बड़ा पैसा इनके ऊपर आया है, जिससे इनका जो कर्जा है वो तो तकरीबन 75% से 80% का कर्जा इनका चुकता हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो यही है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है, वो जो 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचने की तैयारी में है। तो अगर इन सबसे अगर ये लोग कर्जा चुका देते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारी जो दिग्गज कंपनियां भी है वो भी कर्जे के बोझ की तरह दबके बर्बाद हो चुकी है, और जियो अगर रिलायंस अगर इस कर्जे को चुका दे रहे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक बहुत बड़ी डील जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी वो अभी भी टेबल पर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सऊदी अरमाको की जो डील है वो अभी भी टेबल पर है, और वो काफी बड़ी डील है। अगर वो डील हो गई तो याद रखिए ये शेयर आपको उसी दिन उसी दिन उसी दिन उसके 1-2 दिन में आपको 1,600 रुपये तक पहुंचता हुआ देखने को मिल जाएगा, सॉरी 1,600 क्या 2,000 रुपये तक पहुंचता हुआ देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है, PE इनका 33.88 है, इंडस्ट्री पी 21.85 है, बुक वैल्यू 706 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.19 है, EPS 45 के आसपास है, और डिलीवरी तकरीबन 24 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 54% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 43% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात भी करने जाए तो मार्च के नतीजे उनके इतने अच्छे नहीं आए थे, रीजन ये था कि लॉकडाउन लगा था, और सबसे बड़ा इनका पैसा आता है वो पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग से आता है, और उनको एक सबसे बड़ा धक्का पहुंचा था लॉकडाउन के चलते, और इसीलिए इनका बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पर कम हो गया, 6,575 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर भी एक बड़ा पैसा इस क्वार्टर में टेलीकॉम सेक्टर ने भी कमा कर दिया, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और धीरे धीरे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनका जो बाकी सेक्टर है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगा, जिसमें से रिटेल सेक्टर भी है और टेलीकॉम सेक्टर भी है। आने वाले दिनों में याद रखिए टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और रिटेल सेक्टर जो है वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल जाएगा। जियो मार्ट जिसकी पिछले काफी दिनों से चर्चा हो रही है उसको भी एक्टिवली प्रमोट किया जाएगा, फेसबुक के साथ इनकी डील हुई है तो व्हाट्सएप का भर भर के इस्तेमाल किया जाएगा जियो मार्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया इनका प्लान है जो फ्यूचर में हमें देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, जो पहले होल्डिंग प्रमोटर के पास 47.29 थी ना, आज वो 50.07% है, मतलब प्रमोटर यहाँ पर भर भर के माल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया क्या उनके फ्यूचर प्लान है जियो मार्ट को लेकर, रिलायंस जियो को लेकर, और इनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस को लेकर भी। तो बहुत सारी होल्डिंग्स यहाँ पर इनकी इंक्रीज होती हुई यहाँ पर दिख रही है।
आप खुद देखिए एफआईएस भी जहां थे वहीं पर है, उन्होंने ना होल्डिंग उतनी बड़ी गिराई है, 24.33% की होल्डिंग 24.05% की है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कम किया, 7.10% की होल्डिंग 6.22% है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बहुत बड़ी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, 4.56% की होल्डिंग 5.42% की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बड़ी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा है। आपको जब भी आपके पास वक्त हो या फिर जब भी आपके पास पैसा हो, आप छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं, 1500 इस लेवल पर भी खरीद सकते हैं, और अगर शायद शेयर में थोड़ी और गिरावट भी आती है फर्दर, तो आप थोड़ी और एडिशनल खरीदारी भी कर सकते हैं। हर गिरावट में आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि भैया इनके जो बिजनेस है वो काफी बढ़िया है, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस तो ऑलरेडी इनका पैसा पैसा दे ही रहा है, लॉकडाउन खुल चुका है, रिफाइनिंग का बिजनेस को भी धीरे धीरे आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टेलीकॉम का बिजनेस ऑलरेडी काफी अच्छा रिटर्न कमा कर दे रहा है, और जो रिटेल का बिजनेस है उसके ऊपर जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में उससे भी एक बड़ा रेवेन्यू आपको जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बस इतना कहूंगा कि अगर शेयर आप लंबी दूरी के लिए बना के रखें, लंबी दूरी के लिए आप खरीदें इसको, और हर गिरावट में आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है और जो बिजनेस इनका है वो भी एकदम शानदार है। कल को अगर टेलीकॉम सेक्टर इससे अलग भी होता है, डीमर्ज भी करते हैं, तो जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होगा उसको रिलायंस जियो का भी शेयर मिलेगा, और यहाँ पर यह भी है कि रिलायंस जियो अब सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड बनने जा रहा है, वो फेसबुक के साथ उनकी डीलिंग होने के बाद इंटरनेशनली भी लिस्टिंग की बातचीत यहाँ पर चल रही है, तो अगर ऐसा भी होता है तो याद रखिए एक बढ़िया इनके लिए प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।